सामने में शमशान घाट, नया शमशान घाट होगा। जब उद्घाटन हो गया लोगों को उत्साह हो गया कि हम लोग नए जगह आए हैं, अच्छा शमशान घाट बनेगा। और हमारे सामने में कई आज एक डेड बॉडी आई अपने खास आदमी की। तो सर आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार सोनी है जी। सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सोनी है। थोड़ा पास। हाँ सर, आज हम देखते हैं सोनी परिवार, उनका एक आदमी का देहांत, स्वर्गवास हो जाएगा, सारे को अंतिम संस्कार के लिए आए, अंतिम विदाई दें। तो सर यहाँ पर आए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, सरकार की तरफ से पहल बहुत अच्छा है, हमने अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ भाई वहाँ से इस जगह पे लेके आए। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ी सी टेक्निकल त्रुटि है, जो कि यहाँ पे जब आप समझ लीजिए 17 घाट बनाए हुए हैं उसमें 12 जल रही है, यहाँ पे इतना पॉल्यूशन हो गया है कि वहाँ पे आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, माने वो दम घुटो टाइप का हो रहा है, स्मेल बैड स्मेल होता है। इसके लिए क्या है, माने कलेक्टर साहब हो या कमिश्नर साहब हो, इनको यहाँ पे चिमनी का या एग्जस्ट का व्यवस्था करना चाहिए, तो बेटर और हेल्थ अच्छा रहेगा लोगों का। तो मतलब आने वाले कम से कम और ज़्यादा तकलीफ। तो इसमें देखा जाता है डेड बॉडी एक प्रकार की नहीं होती है, कोई बीमारी में मरता है, कोई नेचुरल डेथ होता है, किसी को कई प्रकार की बीमारी, और जब बॉडी जलती है उसका जो गैस होता है जो जलाने वाले आते हैं तो उनके ऊपर भी इफेक्ट होता है। हो रहा है ना, अभी हो रहा है ना, प्रेजेंट में भी हो रहा है, बहुत बैड स्मेल है। जो बनाया वो बोले आके 2 बैठे पता चला, यहाँ जिस तरीके का स्मेल अभी आ रहा है खतरनाक। यहाँ जो साथ में आए हुए हैं 100 के साथ में जो आए हुए हैं वो यहाँ खड़े नहीं हो सकते, 10 खड़े होंगे तो ये भी तो हो सकता था। यहाँ का स्मेल का जो बीमारी आप अपना घर में भी ले जाएंगे और लोग, कुछ भी हो सकता है। आप क्या बोलना चाहेंगे सोनी? कोई बोल रहे हैं कि थोड़ा व्यवस्था ठीक नहीं, उसको ठीक किया जाए। चलिए थैंक यू। आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, साक्षात सामने अपने को सभी को दिख रहा है कि धुआं नीचे से चारों तरफ हो रहा है, ऊपर वेंटिलेशन पास होने का कोई सिस्टम प्रॉपर वे में नहीं नज़र आ रहा है, तो उससे दिक्कत तो होगी बैठने में भी और यहाँ आने में भी और यहाँ से रिटर्न जाने में, तो इसका निदान तो होना चाहिए। चलिए थैंक यू सर। हम भी इनकी बात जरूर सरकार प्रशासन तक पहुँचाएंगे। अरे सरकार आप आइए, इनकी बातें सुनिए, कम से कम आप तो बहुत ही अच्छा बना, अपना नाम का वाह लूटा, इसमें करोड़ों रुपये खर्चे हुए, करोड़ रुपये खर्चे हुए और बहुत ही सुंदर बना, लेकिन ये सुंदरता किस काम की? जो सारा निकास नहीं, कुछ नहीं, धुएं निकलने की जगह नहीं, और लोगों को ऐसा लग रहा है जिसको सांस का बीमारी हो वो तो और बीमार हो के यहीं पर उसका काम हो जाएगा, आप बैठ नहीं सकते। बॉडी का हाल है, अगर 8-10 बॉडी चले तो आदमी बैठ ही नहीं सकते, 1 या 2 है। एनीवे हम तो ही जाएंगे, कलेक्टर साहब को मैसेज जरूर जाए और इसका जल्दी से जल्दी निदान हो। चलिए सर जरूर जाएगा कलेक्टर पास मैसेज। आप क्या बोलना चाहेंगे? बना बहुत अच्छा है और अपने आप में ये बहुत अलग तरीके से बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसमें जो बॉडी जो जलाने की जगह दी है वो एक जगह में नॉनो कर दी है, उसको थोड़ा कम कर दे, थोड़ा स्पेस चाहिए, क्योंकि कई जो हम लोग रस्म करते हैं वो उसमें पूरा भंवर लेते हैं, उसके लिए जगह नहीं है वहाँ पे। एक दूसरे जैसे जलती है तो वहाँ पे और स्मेल और धुएं का तो जो है ही कंपलसरी, वो तो हो ही रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर देखा जा रहा है स्मेल का, धुआं निकलने का जगह, वेंटिलेशन का पूरा प्रॉब्लम, वेंटिलेशन। और दूसरा सर ये जो बॉडी रखने की बनाया है तो जो जहाँ जलाने की जगह है उसके पास में बॉडी रखने का भी बनाना चाहिए, जैसे यहाँ पे बनाया है 3 और वहाँ तो यहाँ से लेके जाना है वहाँ पे और वहाँ पे तो पास में रहता, पास में रहना चाहिए था, तो क्या ज़्यादा उसको यूटिलाइज। चलिए थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम भी कमिश्नर साहब हमारे माने ना जिलापाल महोदय को उनको भी सुनाना चाहेंगे, आप आइए देखिए और समस्या को समझिए। बड़ा बहुत अच्छा बना, बहुत बढ़िया चीज़ है। थैंक यू। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।